Secondly, जो क्वेश्चन है उसमें हम नोटिस कर पा रहे की यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टेंट है हमको दिया जा रहा है, एक होल है हमारे पास यहाँ पर पिन होल है एंड पिन होल, होल एक होलो जो बनाया गया है वो होलोस्फियर के अंदर, के अंदर के का जो अंदर का होता है, उसको बोलते हैं और उसकी जो अंदर की वॉल है उसका टेम्परेचर रखा गया है 727 सेल्सियस। अब हमको पता करना है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया तो अभी तक हमने पावर रेडिएटेड के बारे में कुछ भी नहीं देखा था

ये जो टर्म दिख रहा है आपको क्यू बाई टी जो कि क्या है रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड एनर्जी एनर्जी पर यूनिट टाइम जिसे हम कहते हैं पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम टाइम को ही क्या कहा जाता है पावर दिस इज इज एनर्जी पर यूनिट इट कोल्सो कॉल्ड एज रेडियंट पावर क्योंकि रेडियंट एनर्जी है तो ये पावर भी कैसी होगी रेडियंट पावर सो रेडियंट पावर का सिंबल भी हम यूज करते हैं पी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू फोर अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं जो कि यहाँ लिखा हुआ भी था पी इज इक्स टू सिग्मा बाई टी सॉरी क्यू बाई टी विच इज इक्वल सो मैंने फॉर्म को लिख करके रखा ऑर्डिनरी बॉडी so, यह फॉर्मूला बदल जाएगा ई सिग्मा ए टी एस टू फोर अब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पी जो है वो रेडियंट पावर है अब इस रेडियंट पावर में अगर आप एरिया को नीचे डिवाइड कर दो यानी पी बाई ए बोल दो P by A, तो यहां क्या बचेगा सिग्मा टू फोर. अब ये जो टर्म होती है P by A, इसे हम कहते हैं रेडियंट पावर इसे कहते हैं रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया ये रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया क्योंकि अपॉन में क्या आ चुकी है एरिया करके हम इसको बोलेंगे रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया सो यहां पर हम रेडियो

हमारे गिवन में हम नोटिस करेंगे कर okay. so, हम करे, तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया सो इन सब में अगर नोटिस करें तो हमको निकालना है रेडियंट पावर एंड पर यूनिट एरिया में सो so, उसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया का

नेक्स्ट जस्ट आप सिंपली रेडियंट पावर यानी का फॉर्मूला लिखो ई सिग्मा की वैल्यू फाइव पॉइंट सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस एट एंड टेम्परेचर की पावर जो है वैल्यू है अब सिंपल पर आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करो देन वी विल बी गेटिंग ओके हमको क्या मिलेगा यहाँ पे जीरो पॉइंट टू इंटू फाइव पॉइंट सेवन इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको आगे करूंगा। इससे पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं आप thousand को समझ सकते हैं टू था बराबर है थाउजेंड क्या होता है टेन रेस टू थ्री होता है और इसकी पावर पे लगी हुई है फोर तो थ्री फोर सा कितना हो जाएगा ये टेन रेस टू ट्वेल्व सो ये पावर मल्टीप्लाई होकर के मुझे टेन रेस टू ट्वेल्व मिल जाएगा नेक्स्ट हम जो देखेंगे

कन्वर्ट करता नोटिस कर सकते हैं, मैंने एक शिफ्ट किया, तो मैंने एक चार में से एक यहाँ खर्च किया बचे हुए तीन को मैंने यहां पे शिफ्ट तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा खाली लास्ट के आंसर्स को मैच करो सो यहाँ पेरीवन एंड टू जीरो पर मुझे ये नंबर मिलता है one, one, four, double, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं और इसका यूनिट जाके मिलेगा वैट पर मीटर स्क्वायर या कैपिटल डब्ल्यू अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं विच इज नथिंग बट रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया